सो दोस्तों, इस वाले वीडियो में बात करूंगा रियलमी C3 के न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। रियलमी C3 के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रियलमी UI 2.0 हम कैसे पा सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड अपडेट है। सो उसके रिगार्डिंग वीडियो में बात होगी। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, और अभी तक वीडियो को आपने एक लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। इससे ये होगा कि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। सो आप लोगों को रियलमी UI 2.0 का सॉफ्टवेयर अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो ये आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा और क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रियलमी UI 2.0 का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो बीटा अपडेट है। बीटा का मतलब होता है छोटा है। अभी वो टेस्टिंग के लिए दिया गया है। उसका पहला पैच रिलीज हो गया है, दूसरा भी रिलीज हो चुका है। दो पैच रिलीज हो चुके हैं। अभी उसको स्टेबल नहीं किया गया है। अभी वो बीटा टेस्टिंग के लिए बीटा यूजर्स को मिला हुआ है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको फॉर्म भरने का तरीका क्या है। जिन लोगों ने रियलमी UI 2.0 का फॉर्म भरा था, उन लोगों को रियलमी UI 2.0 का सॉफ्टवेयर अपडेट उनके डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन वह अभी स्टेबल नहीं है। स्टेबल होगा तब वो सभी लोगों को एक समान मिल जाएगा। स्टेबल कब होगा ये मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से स्टेबल होगा। किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट का बीटा अपडेट दिया जाता है, बीटा वर्जन रोल आउट किया जाता है, तो उसको तीन पैचेस के साथ रिलीज किया जाता है। पहला पैच, उसके बाद में उसके अंदर से दूसरा पैच दिया जाता है, थोड़ा बहुत तो उसके इम्प्रूव किया जाता है। तो उसके बाद थर्ड पैच दिया जाता है। तीन बीटा अपडेट्स दिए जाते हैं, उसके बाद उसको स्टेबल कर दिया जाता है। तो आपका रियलमी UI 2.0 का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके दो पैचेस रिलीज कर दिए गए हैं। थर्ड वाला पैच रिलीज होना है। जस्ट वो रिलीज होने के बाद आपको स्टेबल अपडेट रियलमी UI 2.0 का रियलमी C2 के लिए मिल जाएगा, जो कि सभी को एक समान मिलेगा। तो आप लोगों को अभी जो थर्ड बैच रिलीज होगा इसका, वो जून जुलाई में होगा। थर्ड वाला पैच रिलीज होने के जस्ट बाद में आपको रियलमी UI 2.0 एंड्रॉयड 11 बेस्ड जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो स्टेबली हो जाएगा और सभी को एक साथ मिल जाएगा। सभी यूजर्स को वहाँ पे कोई वीटा का ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको जो थर्ड पैच में ही सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए तो आपको ये, आपको सामने ये फॉर्म दिख रहा होगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने का प्रोसेस यही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद ऊपर सेटिंग का एक आइकन आ रहा होगा राइट साइड के कॉर्नर में। सो उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ लिखा आएगा आपका ट्रायल वर्जन। जैसे ही आप ट्रायल वर्जन पे क्लिक करेंगे, ट्रायल वर्जन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रियलमी UI 2.0 का एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा। उस पर आप क्लिक कर दोगे। जस्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने यही मैंने जो फॉर्म दिखाया था वो फॉर्म खोलकर आ जाएगा। वहां पर आपको ईमेल या फिर एक मोबाइल नंबर के साथ में साइन अप हो जाना है, लॉगिन कर लेना है, रजिस्टर हो जाना है, यानी कि आई एग्री के टिक पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना। यदि आपका फॉर्म सबमिट होता है तो रियलमी की जो टीम है, जो रियलमी UI 2.0 पे वर्क कर रही है, वो आपका जो सबमिट हुआ फॉर्म है वो रिव्यू करेंगे। जस्ट रिव्यू होने के बाद जैसे ही थर्ड पैच रिलीज होगा रियलमी UI 2.0 का बीटा अपडेट वाला, वो आपको आपके डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। आप सबसे पहले थर्ड पैच के यूजर हो जाओगे। पहले 1000 यूजर्स को मिलेगा थर्ड पैच भी, उसके बाद उसको स्टेबल किया जाएगा। सो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए नॉलेजेबल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर देना बॉस। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन आ रहा है उस पर ऑल पर प्रेस कर लेना। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो मिलते हैं फर्दर वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।